नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नाबालिग से रेप मामले में दोषी आसाराम को जोधपुर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट में उनकी सजा पर बहस चल रही थी। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आसाराम पर आ जाने वाले फैसले को लेकर प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। पूरे जोधपुर में धारा 144 लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मौजूद है। आपको बता दें कि आसाराम पर यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप है। पीड़ित लड़की एमपी के छिंदवाड़ा में आसाराम के स्कूल में पढ़ती थी। लड़की की तबीयत खराब होने के बाद वार्डन ने उसे आसाराम से मिलने को कहा था। पीड़ित लड़की का परिवार इलाज के लिए उसे जोधपुर के मड़ाई आश्रम में ले गया था। जोधपुर के मड़ाई आश्रम में लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया। 15 अगस्त 2013 को नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप लगा था। अब आसाराम को इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। आपको बता दें कि पूरे जोधपुर में हाई अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ कई आसाराम के समर्थकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना से लाइव सिटीज की रिपोर्ट।